हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ है और आप कुछ एडवांस फिल्टर ट्यूटोरियल, यानी कि अगर आपको एरिया वाइज दिल्ली का निकालना है, इसमें कौन से दिल्ली से रिलेटेड एरिया है जहां पर सेल अच्छी आई है, तो वो कैसे फ़िल्टर आउट करते हैं, ये एडवांस फिल्टर ट्यूटोरियल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेम चीज़ अगर आप सेल में करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमने जो ये टेबल दिया है इसके रिलेटेड यहाँ पर हमें रिज़ल्ट चाहिए एरिया दिल्ली के वाइज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा में जाएंगे, फ़िल्टर का ऑप्शन में हमें यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। हमें क्या करना है, इस एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा एडवांस फ़िल्टर में, वो होगा लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में हमें क्या सिलेक्ट करना है, ये जो डाटा कॉलम है यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको दोबारा ख़त्म करके एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ सिलेक्ट करने का, तो ये देखिए अब इस हमने क्या किया, लिस्ट रेंज में एक पूरा का पूरा टेबल जिसमें से हमें डाटा पिकअप करना है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज जिसकी जो कि हम कंडीशन देने वाले हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया क्या देंगे, एरिया दिल्ली। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बात करेंगे कॉपी टू, यानी कि कहाँ पर इसका डाटा प्रेजेंट हो, उसके लिए क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी यहाँ पर रैंडमली सेल को पिकअप कर लेना है। सेल को पिकअप करने के लिए सबसे पहले कॉपी टू पर क्लिक करना है, इसके बाद कोई भी रैंडम सेल जो कि आप एक्सेल शीट में देख सकते हो उसको पिकअप कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली अब देखो सिलेक्ट कर चुका है। सबसे पहले हमने लिस्ट सिलेक्ट की थी ये वाली, क्राइटेरिया रेंज यानी कि एरिया दिल्ली, और कॉपी टू जहाँ पर हमारी जो डाटा है वो पेस्ट होगा, यानी कि ये वाला सेल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं दिल्ली से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कितनी सेल की है उसका डाटा अलग से प्रेजेंट हो गया। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और भी समझदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।